तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और न्यू BTTH की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को Skyfire 3 Mysterious चीज का पीक वर्जन की असली पावर्स क्या थी उस बारे में मैं बताऊंगा। और लिटरली मैंने जब नॉवेल्स को पढ़ा तो मेरे गूज बम्स आ गए थे, इतना पावरफुल था वो Skyfire 3 Mysterious चीज का फाइनल फॉर्म कि मैं अभी भी उससे उबर नहीं पाया हूँ। शोइन का वो मंजर मैं देख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ नजर आ रहा था कि शोइन कितना तगड़ा लगेगा उस फाइट के अंदर में। तो हम इस वीडियो को पूरे स्टोरीज के रिकॉर्डिंग ही चलाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिटिल फेयर डॉटर की फिलहाल रिकवरी अभी एपिसोड्स के अंदर में चल रही है। उसकी रिकवरी को वो लोग तकरीबन 113 एपिसोड्स के अंदर में पूरी तरीके से कवर अप कर देंगे। उसकी पूरी रिकवरी के बाद शोइन जैसे ही उस ऑल्टर के बाहर आता है तो वो देखता है कि ये सिटी के आसपास में काफी बड़ा सा एक बैरियर को आइस वैली के लॉन्डो ने पहले से ही क्रिएट कर दिया है। और इस बार आइस वैली ने अपने मोस्ट पावरफुल पावर हाउसेस को यहाँ पर सेंड कर दिया था, जिनमें एक पीक डोजोंग जो कि आप लोगों को पता है कि त्यानशी रहता है, उसके साथ साथ दो 7-स्टार डोजोंग बिंग शुआन और बिंग हुआ, ये दोनों भी आ गए थे। उसके साथ त्यान शुआन जी जो कि असल में एक 1-स्टार डोजोंग है और तकरीबन 10 साल पहले डोजोंग बन चुका था, यानी कि एक्सपीरियंस भी है, उसे भी वो लोग यहाँ पर सेंड कर देते हैं। और इन सभी को देख कर ये सिटी के एल्डर्स की फटकी लिटरली हाथ में आ गई थी। लेकिन जैसे पीछे से त्यान वो जुन जी आगे आता है तो ये लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, क्योंकि त्यान शुआन जी से ये अकेला ही निपट सकता था, क्योंकि दोनों के दोनों 1-स्टार डोजोंग है और यहाँ पर त्यान वो जुन जी का जो एक्सपीरियंस है वो उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। आप लोगों को भी पता है क्यों, लेकिन वहाँ के जो 3 एल्डर्स थे त्यानशी के साथ उसको निपटा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग शोइंग को देखते हैं तो वो लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं कि ये लौंडा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। फिर भी इन लोगों के मन में अभी भी काफी ज्यादा टेंशन था, वहाँ पे आसपास के लोग काफी ज्यादा उथल पुथल कर रहे थे। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब शोइन को देख के प्रोटेक्टर वो अपनी अपीयरेंस को रिवील कर देता है, यानी कि गुरु हम भी आए हैं यहाँ पे मजे लेने के लिए। तो इसके अंदर प्रोटेक्टर वो को देख के शोइन एकदम पूरा पारा हाई हो जाता है। अब वो उससे बदला लेने के लिए काफी ज्यादा गुस्से में था। इन लोगों की जो फाइट थी वो वहीं पर स्टार्ट हो जाती, सब इधर उधर एकदम लगे पड़े थे। त्यान शुआंग जी और त्यान वो जुन जी दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने में लग जाते हैं। साथ ही साथ प्रोटेक्टर वो और शोइन दोनों की फाइट वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। प्रोटेक्टर वो और शोइन करेंटली वो लोग अपने इनिशियल फॉर्म पे ही लड़ाई कर रहे थे। अब प्रोटेक्टर वो आके उसके सामने काफी बड़ी बड़ी डींके मारता है, कहता है कि तुम अपने मास्टर को पहले भी नहीं बचा पाया, अभी भी नहीं बचा पाओगी, ये कर लोगे वो कर लोगे तुम्हें भी पकड़ के ले जाऊंगा, हे इंतिलफान ठिकाना। लेकिन जब शोइन देखता है कि वो एक पीक डोजोंग है, यानी कि अराउंड 8-स्टार के आसपास है, और मैं सिर्फ और सिर्फ 2-स्टार का डोजोंग हूँ तो मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता। अब वहां पर प्रोटेक्टर वो उसकी विल को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शोइन अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। शोइन इस्तेमाल करता है Skyfire 3 Mysterious चेंज का फर्स्ट फॉर्म, जिसके अंदर में वो ग्रीन फ्लेम को यूज करता है, जिसके बाद वो पहुंच जाता है 3-स्टार डोजोंग पे। लेकिन इसे देखकर प्रोटेक्टर वो को घंटा भर फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी शोइन की बुराई उसके सामने कर ही रहा था। फिर शोइन इस्तेमाल करता है सेकेंड फॉर्म, जिसके अंदर में वो इनविजिबल फ्लेम यानी कि फॉलन हार्ट फ्लेम को यूज करता है, और उसकी वजह से वो पहुंच जाता है सीधा 6-स्टार डोजोंग पे। इसे देखने के बाद प्रोटेक्टर वो थोड़ा सा चौंकता तो है, लेकिन फिर भी उसको घंटा पर फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो गैप है वो अभी भी काफी ज्यादा है। लेकिन फिर जब शोइन इस्तेमाल करता है थर्ड चेंज, उसके अंदर में वो चिलिंग बोन फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी जो पावर्स थी वो 1-7-स्टार डोजोंग बन गई थी। साथ ही साथ उसकी इनिशियल स्पीड स्ट्रेंथ सब कुछ काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर प्रोटेक्टर वो थोड़ा तो घबराता है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो शोइन को पूरी तरीके से हरा देगा। शोइन के थर्ड चेंज को देखकर वहाँ के जितने भी एल्डर्स मेंबर्स और जितने भी नॉर्मल पीपल थे सब लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे कि 2-स्टार से सीधा सीधा वो 7-स्टार डोजोंग पे आ गया। और सभी लोगों को Skyfire 3 Mysterious चेंज के बारे में पता था कि वो असल में बर्निंग फ्लेम वैली का एक सीक्रेट टेक्निक है, और इसलिए उन लोगों को पहले से ही पता था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसकी जो पावर्स थी वो नॉर्मल एल्डर्स के मुकाबले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि एक तो शोइन की जो बॉडी है वो बाकी एक्सपर्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ इसके पास वैली फ्लेम्स थे, जिस वजह से ये 7-स्टार डोजोंग पे जा चुका था। अगर कोई भी नॉर्मल फ्लेम वैली का एल्डर अगर इसको इस्तेमाल करता तो वो हार्डली 3-स्टार को ही अपग्रेड कर पाता। इस चेंज को देखकर सभी लोग शॉक गए, इससे मुझे काफी ज्यादा शॉक नहीं लगा, लेकिन जब शोइन खुद पे खुद शॉक में आया था कि जब उसका थर्ड चेंज इतना ज्यादा पावरफुल उसकी बॉडी को फील कराता है, वो लिटरली खुद की पावर्स को फील कर पा रहा था कि वो किस लेवल पे जा चुका है। साथ ही साथ उसे ये भी महसूस हो रहा था कि अगर एक बार उसकी चेंज की पावर्स चली गई तो उसे रिकवर करने में हार्डली 6-7 महीने तक लग सकते हैं, और किसी नॉर्मल आदमी को इससे और भी ज्यादा समय लग सकता है।
शोइन की बॉडी एज यूजुअल सभी लोगों के ज्यादा मुकाबले पावरफुल थी, इसी वजह से उसे सिर्फ 6 महीना लगता। अब बाकी सबका अंदाजा आप लोग खुद ही लगा लो। उसके बाद चैप्टर 1096 के अंदर में उन लोगों की फाइट स्टार्ट हुआ थी। तियान वो जुनजी और तियान श्वानजी, ये दोनों भी देख के से चौंक गए थे, लेकिन तियान श्वानजी को घंटा भर फर्क नहीं पड़ा था। उसको बस एक चीज का घमंड था कि वो दोजुंग है और अभी भी शोइन उसके मुकाबले काफी ज्यादा इन्फीरियर है, यानी कि वो उसे अभी भी हरा सकता है। और वो तियान वो जुनजी के साथ में अपनी फाइट को कंटिन्यू रखता है। शोइन प्रोटेक्टर वो को एक तगड़ा सा डायलॉग मार के फाइट को वहीं पर स्टार्ट कर देता है। शोइन कहता है कि ओल्ड फेलो आई सेड दैट आई वुड टेक दिस ओल्ड लाइफ ऑफ योर्स टुडे, और उन दोनों की लड़ाई वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई सबसे पहले कॉम्बैट एबिलिटीज पर डिपेंड कर रही थी, यानी कि दोनों एक दूसरे का पीछा करके एक दूसरे के साथ में कॉम्बैट में फाइट कर रहे थे। जहां पर शोइन की स्ट्रेंथ और स्पीड को देखकर अभी भी प्रोटेक्टर वो इतना ज्यादा शॉक में था कि वो सोच नहीं पा रहा था कि ये लौंडा इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। उसकी स्पीड प्रोटेक्टर वो के मुकाबले काफी ज्यादा तेज थी, स्ट्रेंथ का तो कोई जवाब ही नहीं था। फिर भी प्रोटेक्टर वो इतना ज्यादा एरोगेंट था कि वो अभी भी ये डायलॉग मारता है, दिस प्रोटेक्टर डजंट बिलीव दैट यू एज अ यंगर जनरेशन कैन फ्लिप द स्काई अराउंड व्हेन इवन याओचेन वाज अनेबल टू एस्केप फ्रॉम माय हैंड्स। इसका मतलब कि तुम एक छोटे से लड़के जो कि यंगर जनरेशन का लौंडा है पूरी बाजी को इतनी आसानी से पलट देगा। मैं वो हूँ जिसने याओचेन को इन्हीं हाथों से पकड़ के ले गया, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अभी भी हरा सकते हो? और इतना एरोगेंस को देखने के बाद शोइन उन लोगों की फाइट को और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा जाता है। अब कॉम्बैट्स में बात नहीं चलने वाली थी, वो लोग आ जाते दो की स्किल्स के ऊपर में, जिसके अंदर पहला अटैक हमारा प्रोटेक्टर वू करता है जो कि था 100 सोल लॉकिंग स्काई पाइथन, जो कि एक पावरफुल अटैक था जिसके अंदर में कई सारे सोल्स का एक पावरफुल पाइथन उसके ऊपर में काफी तेजी से हमला करता है। और इसको देख के लिटरली वहाँ के जितने भी मेंबर्स और एल्डर्स फिर से उन लोगों के फट के हाथ में आ गई थी। वो इतना पावरफुल हमला था कि शोइन को उसको झेलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। शोइन इधर से इस्तेमाल करता है सबसे पहला फ्लेम स्पिटिंग सुनामी, जिसके जरिए वो उस पाइथन को थोड़ा स्पीड स्लो तो कर देता है, लेकिन अभी भी वो उतना ही ज्यादा फिरोशियस और पावरफुल अटैक था। उसके बाद शोइन इस्तेमाल करता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर 6 जॉइंट फ्लेम। इसकी मदद से भी वो उसको रोकने की काफी देर तक ट्राई करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो अपने रूलर को वापस अपने रिंग के अंदर में पहुंचा देता है। और अब शोइन इस्तेमाल करता है ओपन माउंटेन सील। इस अटैक की मदद से कई सारी चेन्स आ जाते हैं और उस पाइथन को अपनी तरफ में जकड़ लेते हैं, जिस वजह से उसकी स्पीड और अटैक अब थोड़ी सी और ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी। अब शोइन इसका सेकंड लेवल को यूज करने वाला था, जिसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं सी फ्लिपिंग सील, और इसकी मदद से वो पूरी तरीके से उस पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये सब देखकर वहाँ की ऑडियंस एकदम फुल पैसा वसूल फाइट एंजॉय कर रही थी। ओपन माउंटेड सील इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था कि उसका ब्लैक कैश प्रोटेक्टर वू के ऊपर में भी पड़ता है, और उसके बॉडी के ऊपर में वो जो आर्मर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसको देखकर प्रोटेक्टर वू के लिटरली फट के हाथ में आ गई थी, और वो वहां से भागने का ट्राई भी कर रहा था, लेकिन शोइन उसके पास पहुंच जाता है ड्यू टू स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, क्योंकि उसकी जो स्पीड और स्ट्रेंथ जो मैंने बताया आप लोगों को वो अभी भी उसी पीक लेवल पर है। और उसके पास जाके एक पाम से उसके ऊपर में हमला करता है, और वो बोलता है कि ये जो पाम है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर की तरफ से है। और इतना तगड़ा वार था कि वो पूरी तरीके से वहाँ पर हारने की कगार पर आ गया था, लेकिन इसके बाद भी उसकी एरोगेंस अभी भी कम नहीं हुई थी, वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। मानव के अंदर में तो उसने काफी फालतू सा एक डायलॉग मारा, वो बोलता है कि माई आर्मर इज डिस्ट्रॉयड बट सोल क्लैन कैन डिस्पैच मोर पीपल हियर टू कैप्चर यू, यानी कि अभी भी सोल क्लैन के जो लौंडे वो आ रहे हैं शोइन को यहाँ से पकड़ के ले जाने के लिए। तो शोइन यहाँ पर मानवस के अंदर में एक सिग्मा वाला डायलॉग मारता है, एकदम दिल जीत लिया लौंडे ने। वो बोलता है व्हाई यू कांट विन ओवर मी एंड नाउ यू आर थिंकिंग टू गो होम टू आस्क फॉर योर मॉमी, जिसका मतलब कि अब तुम मुझसे जीत नहीं सकते तो तुम घर जाओगे और अपनी मम्मी को बुला के लाओगे मुझसे लड़ने के लिए। और इसके बाद ही वो फिर से एक और हमला करता है, जिसके बाद प्रोटेक्टर वो पूरी तरीके से अब हार चुका था। लेकिन जैसे ही वो उसको कुछ और करता उसी दौरान वहाँ पे वो तीन खांडू मतलब वो आइस वैली के तीन एल्डर्स यानी कि तियानशी बिंग हुआ और बिंग श्वान वो तीनों आके उसको वहीं पे बचा लेते हैं। और तियानशी की जो पावर्स थी वो अभी भी प्रोटेक्टर वो के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिस वजह से शोइन अभी भी तियानशी को हराने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करता। उसके साथ ही साथ वहाँ पे दो स्टार दोजम और भी ज्यादा थे, जिस वजह से शोइन तो उसको हरा भी नहीं सकता था। तो वैसे तो मैं इस वीडियो में से प्रोटेक्टर वू और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की पावर्स के बारे में बताने वाला था, तो बस इसके बाद क्या होगा कि शोइन और इन तीनों एल्डर्स के बीच में एक फॉर्मेशन वाला बैटल होगा, जिसके अंदर में शोइन इस्तेमाल करेगा ध्यान वो का सीक्रेट टेक्निक, और वो इतना भयानक था कि वो लिटरली एंग्री बुद्धा लोटस की भी याद दिला देते हैं। 5-5 मल्टी कलर फ्लेम्स, 5-5 स्पिरिट्स, सब के सब यहाँ पर आ जाते हैं, और ये काफी भयानक मंजर था। मैं इस सीन को फील कर पा रहा था लिटरली। लेकिन इस वीडियो में मैं बस उतना ही बताने वाला था, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोगों को पता है कि नीचे का लाल बटन दबा के रखिए और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को उस फाइट के बारे में पता चल जाए।